रोशनी ही रोशनी है उस तरफ, लोड शेडिंग हो रही है इस तरफ, मिल रहे हैं मुफ्त यूनिट उस तरफ, बिजली महंगी हो रही है इस तरफ, इस तफरीक की समझ नहीं आ रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालचाल हैं? बढ़िया। आज तो गुलाबी टी-शर्ट पहन के बैठे हैं। हां जी सर, आज ताड़ी सालगिरह ने इस करके। अरे ताड़े को है जी। मैं क्या पांच सालगिरह किथे मनांदे हो? कहंदे जित्थे दाढ़ी मनाउना। सालगिरह दी खुशी हुंदी अपने केक तो ही पैर रख के लग जांदा। खास तौर पे इंग्लैंड से हमारे पास आते हैं जुगते करने और जुगते खाने के लिए, जनाब मानी लियाकत। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान इन्फ्लुएंसर एंड मॉडल सजल अहमद। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हुई जी आपके आने की। शुक्र है आप भी आई। बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेके आया हूँ जी मानी भाई के लिए। हम मेरे दोस्त हैं मानी लियाकत, पहले अपना लतीफा सोच के हंसते हैं, हंस हंस के फिर मानी भाई अपना वजन बढ़ाते हैं। हंसते हंसते जब वो लतीफा हम सबको सुनाते हैं, हम भी हंसते हंसते आखिर ठाकुर सुन हो जाते हैं। मैं खुशियां मानदा नहीं ना, तां मैं खुशियां मानदा नहीं ना, हासा मैनू जानदा नहीं ना, ताइयों मेरे हाथ नहीं आउंदा, ताइयों मेरे हाथ नहीं आउंदा, वेला मेरे हांदा नहीं ना। उसका दिया हुआ जख्म खुद ही सिया है, बेवफा ने मेरे साथ क्या क्या किया है, हम तो इश्क से हिम्मत हार गए थे कैसर, फिर याद आया उसकी सहेली ने भी नंबर दिया है। मेरी बारी आप भी। हाँ तू ये ना समझ कि ये कोई बेकार का दिल है। तू ये ना समझ कि ये कोई बेकार का दिल है, मजाक रात ये जो तेरे कदमों में है तेरे बीमार का दिल। सज्जन आप भी कोई शेर कहना चाहेंगी? मुझे ये बताइए आपने शो देखा हुआ है। हाँ जी। So you have an idea ना? Yeah. So okay, whatever is going to happen, yeah. You will not judge me on the basis of that. ठीक है? हाँ जी। तो मानी साहब मुझे ये बताइए कि आपको क्या सोचती है जो आप हर कुछ अरसे बाद आते हैं, पिछली बार तो आप कोरोना से तंग होकर भागे थे वहां से, आप इस बार दोबारा आ गए हैं, आप हमारे सबसे एक्सपेंसिव गेस्ट हैं क्योंकि किसी ने इतने पैसे खर्च करके झुकते नहीं कहीं आज तक। मुझे क्या है ऐसा? हर सीजन में व्यस्त होने का शौक। तो ये आपने दोष बड़ा जबरदस्त लगाया हुआ, ये क्या है? ये हमेशा से ही मैंने लगाया होता है। ये ना देखा वाले ने लाया जाके बंदियां ना रल जान। क्रॉस बना हुआ है इंग्लैंड का? नहीं नहीं, आजकल अब वो क्वीन की 75th बर्थडे चल रही है। माशाल्लाह, तो क्वीन के लिए तालियां हमारी। हम लोगों को जो रिलीफ फंड मिला है 2,000 का, आप लोगों ने टिकटें लेके यूके ही आना ना। सोचा कि क्वीन को पता है कि उसके पासपोर्ट के ऊपर कैसे कैसे लोग हैं जो बिरला ही कसम नहीं। सच्चा मुझे ये बताइए कि स्टार्टेड इन इंग्लैंड? यस आई स्टार्टेड इन लंदन बट आई लिव्ड देयर फॉर 3 इयर्स। अच्छा, आप 3 साल रही भी वहां पे, तो आपको इल्म था कि ये भी इंग्लैंड से ताल्लुक है? ये मुझे अभी पता चला है।
खाएंगे इनको खिलाएंगे पिलाएंगे मेरी बड़ी वाकफियत है ये पार्ट डिलीट हो जाए वैसे अमानी एक चीज तो मैं बड़ी आपकी जो ऑब्वियस है बिसाइड्स अदर थिंग्स वो है आपकी जुराबें अल्हम्दुलिल्लाह ये कहां से आपने ली प्लीज बताएंगे हमें पॉल स्मिथ एक ब्रांड है उसकी है अच्छा। ये हैंकी और जुराबे अच्छा तो क्या इकट्ठे मिली थी एक साथ लोग ये बड़ी जबरदस्त ये फैशन सेंस जो है आपकी जी ये आपने खुद बनाई है लोगों को देख देख के आपने नहीं खुद है जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हर चीज पे मेहनत खुद हुई है अच्छा कुछ नहीं मेरे वैसे हम लोग तो क्या चले मर्द हजरात हैं हम क्या इसके वो कमेंट करेंगे यहाँ पे दो खवातीन बैठी हैं उनसे पूछना चाहिए और मोर इनटू देखिए अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी है जराबे नहीं दी हाँ मुझे दी आप बताइए आप दोनों तो मॉडलिंग से ताल्लुक रखती हैं आप कुछ बताइए और खोल के आपने सच सच बताना अच्छा माशाल्लाह आप तो ये इजाफा भी लास्ट टाइम तो थी भी नहीं जी जी इसलिए मैं पूछ रहा हूँ उनसे जी वो पहली बार इसको देख रही तो आप ताब ना ला पाए तो घबराना नहीं है आपने मगर बताइए प्लीज मुझे लग रहा है कि मैचिंग नहीं हुई भी नहीं हुई he said it's something he likes okay. तो उस पे तो कमेंट नहीं मैं कर सकती देखिए ये मस्टर्ड है ये मस्टर्ड है ये जो आपका हैंडकरचीफ है उसमें वाकई में वैसे ग्रीन कलर नहीं देखो ये देखिए वो ग्रीन अब बताओ नजर आया तुम्हें ये भी वैसे फील नहीं हो रहा और पीछे से ही बड़ा जबरदस्त हैंडकरचीफ है इसको मोड़ी का काला पेंट दे दे मैं दोनों काले सजल आपको वैसे है कोई इस किस्म का एक्टिंग कॉमेडी का कोई शौक कॉमेडी तो हुन तो आज पूरा हो गया होना जितना मैं हंस चुकी हूं अभी तक आई थिंक कॉमेडी आई कैन नॉट लेकिन एक्टिंग आई थिंक इफ आई वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी व्हाई नॉट आपको है शौक बिल्कुल हां आई डू लाइक इट एंड कोई आपके एक्टर्स हो मुझे काफी लोगों ने वैसे कहा है कि मेरी शक्ल जो है वो उष्णा शाह से जी काफी बिल्कुल आपकी मिलती है वैसे शक्ल तो मैं एक दफा उसका ड्रामे देख रही थी एक दो तो मैं सोच रही थी आई वाज जस्ट ट्राइंग टू यू नो लाइक कि कॉपी करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं एक्टिंग करने का यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट आपको लगा उष्णा शाह को देख के आपकी शक्ल उनसे मिलती है नहीं वैसे मुझे इतना नहीं लगता अच्छा मुझे ब्रैड पिट को देख के कभी नहीं लगा कि मेरी मिल रही है आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट पीपल नॉर्मली से आई कैन अंडरस्टैंड दैट और आपको कोई है कोई आपके एक्टर्स हो जिनके आप प्लेज फिल्म देखती हूं पाकिस्तान लाइक लॉलीवुड पाकिस्तान में कोई हैं ऐसे मैंने देखी मैंने मायरा खान की मूवीज देखी हुई हैं आई लाइक हर मूवीज सजल अली की मूवीज देखी हुई हैं मैंने और वो भी कह दो जवानी फिर नहीं आनी बड़ा खुश होएगा कह दे कह दे नहीं मैं भी देखी हुई है वैसे काफी अच्छी मूवी थी वो पंजाब नहीं जाऊंगी देखी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो आप देखती हैं पाकिस्तानी फिल्में और ड्रामे भी ड्रामे इतने ज्यादा नहीं वैसे लेकिन मूवी कोई अगर मुझे ट्रेलर अच्छा लग रहा जैसे बिन रॉय का जब ट्रेलर आया था तो मैंने काफी वेट किया था उस मूवी के लिए क्योंकि आई रियली लाइक द ट्रेलर अच्छा तो आपको मूवीज का शौक है ड्रामे मैं देखती हूं लेकिन एज आई सेड इफ आई वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट वेदर इट्स एनीथिंग ओके यू विल गो फॉर इट सर आपको भी कोई है शौक वगैरह इस तरह का बिल्कुल है जी अब तो मैं चाहता हूं प्लीज कोई दे कोई काम कोई एक्टर आजकल तो आपकी कमी है ना अच्छे एक्टर्स की काम ना काम लईदा तरलियां ना नहीं लईदा तो आपने मनीष साहब एक ड्रामे में भी काम कर दिया है सर्द आग बिल्कुल सर देख लें बहुत ही सर्द थी चलिए ऑन अ सीरियस नोट मैंने थिएटर बहुत किया है थिएटर की वजह से फिर एक्टिंग में आया फिर मूवी की और ड्रामे किए हैं इससे एक्चुअली ड्रामे से एक बड़े मज़े की चीज़ हुई हम उसमें यूज़ कर रहे थे जो होती हैं आर्टिफिशियल गन्स कैसर भी एक सीन कर रहे थे हडर्सफील्ड विच तो मेरा सीन सी मैं दरवाज़ा खोलने बस उन्होंने कहना बाहर निकल तू बाहर निकल तो अगे एक जंगल टाइप है गए ठीक है हम जंगल की तरफ उसको लेके जाते हैं हीरो को बस ये कट अगले से फिर दिखाएंगे हवेली टाइप है वो कोई पास से कोई गोरी ही गुजरी थी उसने पुलिस को कॉल कर दी तो यहाँ पे जो है ना वो कैमरा नहीं उसने देखा या बाकी कुछ नहीं देखा कि मेकअप है स्टाफ है क्रू है उन्हें कर दिता हूँ मैं वापस मैनचेस्टर गड्डी जा रहा है तो मेरे पीछे छह गड्डियां पुलिस दी नंबर प्लेट पिकअप हो गई मेरी अपनी गाड़ी थी हाँ प्रोटोकॉल मिले 18 घंटे फिर प्रोटोकॉल ही मिलता रहा मैंने फिर प्रोटोकॉल के निशान भी है में भी कोई आई बहुत है हुकूमत जैसे घबराई बहुत है मेरी हर पोस्ट को करती है लाइक वो मेरी वॉल पर आई बहुत है डिनर पर लेके जाना चाहता हूँ करूँ क्या जान महंगाई बहुत है हाय हाय आ
वेलकम बैक जी सज्जल. बिजनेस मार्केटिंग पढ़ने के बाद, और वो भी आप खास बाहर से पढ़ के आई, उसके बाद ये आपको इन्फ्लुएंसिंग और मॉडलिंग का शौक कैसे हो गया? मैंने बेसिकली बिजनेस मार्केटिंग के बाद आई वर्कड अ ईयर इन अ मार्केटिंग फर्म, ओके, बट इट वाज टू बोरिंग. और फिर आई इन्फ्लुएंसिंग मैंने शुरू की थी लंदन में. मैंने अपना अकाउंट पब्लिक कर दिया और जो मेरे फॉलोअर्स थे वो थोड़ा राइज अप होना शुरू हो गए. मैं लाइव्स बनाती थी डेली अपनी रूटीन की. And it was very like natural. कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे PR आ रही थी या कुछ और. It was all by myself. तो उसके बाद I got a good response. So when I came back to Pakistan, तो people contacted me. They wanted to give me PR and stuff. फिर एक दो और brands ने मुझे contact किया. Do you want to do shoots? तो I was like, why not? Then I started it. वरना उससे पहले मैंने एक साल marketing की job की. आपको idea नहीं था when you were studying कि आगे जाके boring हो सकती है? But I wanted to study business. My mom wanted me to be a doctor. Okay. But I did not want to be a doctor. So I chose business. जिंदगी का जो अहम फैसला लड़की का होता है वो पाकिस्तान में करेंगे या बाहर? पता नहीं, अभी तो मैंने नहीं सोचा. अभी कोई सोचा ही नहीं? नहीं. अभी दो साल. तुसी वड्डे हो ना, तुसी सोचो ना. होता ही ना कि जिंदगी में कोई आइडियल होता है तो कोई है इस वक्त जितनी आप प्यारी हैं? होगा लाजमी? नहीं नहीं, कोई भी नहीं है. आप तो सबकी आइडियल है ना? नहीं, मैं सबकी भी आइडियल नहीं हूँ वैसे. लेकिन नहीं, कोई मेरा आइडियल नहीं है. कोई होता ही ना कोई कैसा शख्स जिंदगी में होना चाहिए? आप मुझसे क्वालिटीज पूछ रहे हैं. हाँ, क्वालिटी क्या होनी चाहिए मेरे लिए? तीन चीजें बहुत मैटर करती हैं. एक तो आई वॉन्ट दी अदर पर्सन टू बी वेल एजुकेटेड. दूसरी आई थिंक मेरी पर्सनालिटी मैटर करती है. मतलब अगले बंदे को लाइक वंस यू कमिट टू समथिंग यू शुड स्टे कमिटेड. मतलब यू शुड बी लॉयल टू द अदर. दैट्स वेरी ट्रू. दैट इज द वेरी बिग. तीन चीजें जो आपने बताई, दैट वाज एजुकेटेड, पर्सनालिटी एंड लॉयल्टी. समझ आई कैसे साहब उन्होंने क्या कहा? मैं वो यही क्वालिटियां थे भी नहीं, मैंने की करना. मगर आपने पूछा था तो उन्होंने आपको बता दी. लेकिन हम मैं भी रिश्ते भी करवाता हूँ ना. डे टाइम जॉब जो इनकी ये भी है. मैं आपको जरूर बताऊं? जी आपने जरूर बताना हमारे पास. मुझे नहीं लगता वैसे मैं अपनी जिंदगी में कभी भी कॉन्स्टेंटली इतना हंसी हूँ जितना मैं. माशाल्लाह. पीपल से इन्फ्लुएंसिंग जो है वो बहुत मजे का काम है, बड़ा इजी काम है. तो मैं पूछना चाह रही हूँ, डू यू फेस एनी चैलेंजेस कोई इन्फ्लुएंसिंग? इजी ऑफ कोर्स. तो व्हेन यू आर पोस्टिंग समथिंग एंड योर प्रोफाइल इज पब्लिक, तो लोग आपको देख रहे होते हैं, आपकी एक एक चीज को नोटिस कर रहे होते हैं. आपका वेट ज्यादा हो गया तो पीपल विल से ओ यू लुक चबी है. आप पतले हो गए तो पीपल विल से ओ यू लुक लाइक दिस है. तो आपकी कंट्रास्ट चीजें, बिकॉज अगर आपको कोई PR आ भी रही है तो इट्स जस्ट एन आउटफिट. उसको आपने कौन से जूतों के साथ पेयर करना है, क्या ज्वेलरी पहननी है, क्या पहनना है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू. तो आई थिंक इतना आसान नहीं होता. बट देन अगेन इफ यू हैव योर इंटरेस्ट तो फिर एवरीथिंग गोज वेल. बहुत एक्सपेंसिव चीज नहीं है इन्फ्लुएंसिंग करना, ये कपड़े इतने इकट्ठे करना, इतने ज्यादा जो आपको दिखाने पड़ते हैं. आई मीन इफ यू ओन देम, सो आई मीन या मोस्टली जब आप शुरू करते हो तो ऑब्वियसली वो आपके अपने कपड़े ही होते हैं. और फिर उसके बाद वो आपको लोग PR भेजना शुरू करते हैं टू सी योर प्रोफाइल के वो कितनी एस्थेटिकली प्लीजिंग है. तो टू मेक दैट एस्थेटिकली प्लीजिंग यू हैव टू स्पेंड ऑन योरसेल्फ. हर वक्त दूसरों के कपड़े पहनने पड़ते हैं. नहीं नहीं नहीं, वही तो वो बता रही हैं. मैं ऐसे बता रही हूं कि I'm very choosy in my PR. मैं अपने Instagram को खराब नहीं करना चाहती. Okay. So I buy stuff myself, whatever is in trend, and then when someone sends me a PR and I like it, तो I post. तो वीडियो बनाने में आपको कितना टाइम लगता है PR के लिए? कभी दो घंटे भी लग जाते हैं, कभी कभी 20 मिनट भी लग जाते हैं अच्छी बन जाए तो. आप वो वाली बनाते हो, चुटकी मारा चेंज हो गया सारा? वैसे मैं वो वाली ज्यादा नहीं बनाती. मोस्टली मेरी वीडियो लाइक उसी आउटफिट के अंदर. आई पुट अ सॉन्ग बिहाइंड, आई एडिट इट. कुछ फ्लैशेस, कुछ अगर आपको कोई आसान शॉर्टकट्स पता है, वो चुटकी वाले और वो छलांग मारने वाले वीडियो में कपड़े. आपको टिकटॉक बनाते कितना टाइम लगता है? नहीं नहीं, मैं नहीं बनाता. बताएं बताएं पहले. टिकटॉक तो मर्दां दी हरीम शाह है. मनी साहब, खुदा खास्ता आप भी करते हैं ये सब चीजें? मैं टिक ते आना, टाक ते पूरे नहीं आंदा. नहीं मगर ये इंस्टाग्राम पे नहीं, इतना ज्यादा नहीं. मेरा जो है खाना पीना जो भी है वो सामने, मुझे इतना है, पता नहीं है. जिन्ना ये खांदे ने ओना वहा नहीं सकदे. मेरी जिंदगी, आई लव यू. तुम कहां से आ गए आज? हम यहां से आए. नहीं, इतने दिनों बाद कहां से? हैदर से मसरूफ हो गए हैं जदों दा अपने उस्ताद ए मोहतरम
मानी लियाकत साहब का शिगिर्द होया आए हाय सही बात है मेरे ने मेरे उस्ताद एडे लकी रानी होए ने मैं तन्नू दस नहीं सकदा भाई फंक्शन मेरे ले इंज होंदे ने जे मैं गरीब बंदे ले रक्षा नहीं होंदा आए हाय भाई मजे आ गए ने मेरे को टाइम नहीं तन्नू लोगन नु ए मुंह लाउन दा मैं ते मानी साहब की शागिर्दी इख्तियार कर ली बात तो सच है जब से शागिर्द हुए सानू भूल ही गए हैं यार तेरे वरगे मुंडे अकरम दास ना मशवरा करके टाइम जाया कर दंदे बेच देनिया यकीन कर ਬਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਪੱਖਾ ਵੀ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਮੇ ਵਾਲੇ ਬਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੁਤਕਾ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਫੜ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਕਰਮ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾ ਤਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ 3 ਘੰਟੇ ਬਗੈਰ ਪੰਚ ਤੋਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ मैं बस मैनू मेरी शागिर्दी वापस कर दियो मेरा 500 वापस कर दियो मैडम जी की हाल है ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ 500 ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਕਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਖਰਚ ਲੈਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੱਛਾਂ ਖਾਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਚਲ ਊਂਠ ਦੇ ਗੋਡੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਲੰਡਨ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਬੁੜਬੁੜਾਇਆ ਅੱਛਾ ਬਰਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਓਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਗ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਦੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈਗੀ ਏ ਓ ਯੈਸ ਮਲਕਾ ਜੀ ਯੈਸ 75ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਓਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਾਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਸੀ ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ ਹਰ ਕਿ ਜੀ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ ਏ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਛੱਤ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਲਿਫਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਗਾ ਨਿਰਗੋਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਹ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਡਮ ਇੰਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਆਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਵੱਜਿਆ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਦਾ ਕੁਈਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਫਰਤ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਟੁਰੇ ਨੇ ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੀ ਓਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਸਬਤ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕਲਾਈ ਪਕੜੀ ਨੇ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀ ਆਪਕੋ ਲੈ ਗਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਇਆ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅੱਛਾ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਓਏ ਹੋਏ ਹਾਰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ
ਉੱਥੇ ਰਿਵਰ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੰਜੀ ਰਿਵਰ ਕੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੰਜੀ ਪੜੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਜੀ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਉਸੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜੀ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਰ ਵੀ ਹੈ ਮੰਜੀ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਓਏ ਓਏ ਬਾਜੀ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਮ ਚੁੱਪ ਸਕਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੋਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦੀ ਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਸ ਆਮ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਫਲਿੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਮ ਲਿਆਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਲਿਆਉਣੇ ਕਿੰਗ ਫਲਿੱਪ ਜੀ ਕਿੰਗ ਫਲਿੱਪ ਸਾਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਐਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬਾਜੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਨਿਰਗੋਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਲਰ ਲਵਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂਪੀਐਸ ਲਵਾਓ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲਸ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਲਵਾਇਆ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਇਨਕਮ ਯੈਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲਸ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਇੰਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ 75 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਗਰੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਜੋ ਹਮਨੇ 200 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੇ ਉਨਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜਿਨ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਯਹਾਂ ਹਮੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਪੜ ਰਹਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਹੀ ਤਨ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਯੈਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਏ ਕਿਉਂ ਮਿਆਉ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਖੁਦ ਆ ਜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੇ ਐਵੇਂ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਸ ਬਣਾ ਲਈ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓਹੋ ਕੌਣ ਨੇ ਬਲਾ ਕੌਣ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਲੈ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ Yes. ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਡਲ ਔਰ ਐਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਮੰਗਾ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪਏ ਅਵਾਮ ਕਾ ਸਵਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਨੀ ਸਰ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਨਕੋ ਆਗੇ ਆਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨਕੋ ਆਗੇ ਆਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿਤਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਆਪਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਯਹਾਂ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੇਜੈਂਡਸ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ तो इनके जो कंटेंट हैं क्या इनमें चेंजिंग नहीं हो सकती कि जो न्यू टैलेंट है उनको प्रमोट किया जाए अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उस तरह कोई सिस्टम तो नहीं है अकेडमीज या जिस तरह मैनचेस्टर की अगर मैं अपनी बात कहूँ आप थिएटर में आते हो वहाँ से वो इंजॉय करते हैं लोग वो ऑडियंस ने थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे इसलिए रखा होता है कि कोई ना कोई थिएटर लगेगा हम अपने बच्चों को लेके जाए ये ग्रास रूट सी चीज़ जब तक ये चीज़ आपके बच्चों में नहीं आएगी स्कूलों में नहीं आएगी ये ऊपर नहीं आ सकती ये नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन आपने टिकटॉक बनाई आपके मिलियन हिट्स हो गए और आप में वो चीज़ आ गई
इस काम को सीखने वाले, आप इनकी स्ट्रगल देखें, आप मेहनत करते रहे इंशाल्लाह कोई ना कोई तो, पाकिस्तान का मुझे भी इतना नहीं पता तो कभी कोई वड्डा शो हो इतना नाल मैनू भी लै जाइए। एक चीज मैं क्लियर करता चलूं कि ये एक इबाम है कि न्यू टैलेंट को चांस नहीं मिलता। अगर आप टेलीविजन की बात करोगे तो आपको टेलीविजन के ऊपर ड्रामे उठा लो, आपको इतना लड़का मिलेगा जो कि नया काम कर रहा है, इतनी लड़कियां जो कि नई काम कर रही हैं, ठीक है। फिल्म के अंदर भी वही लड़के या लड़कियां, कभी कोई नया भी आ जाता है और कभी टीवी से ही उनको लेके फिर फिल्म बनाई जाती है। जहां तक रही बात प्रोसेस की, तो आपने कहा अकेडमी नहीं है, अकेडमियां भी हैं पाकिस्तान में, नापा एक कराची के अंदर बहुत जबरदस्त अकेडमी है, ज्यादा वैसे भी कराची की तरफ है लाहौर में। तो वो तो आपको देखें मेट्रोपोलिस कहीं भी होगा, आपके अगर अमेरिका के अंदर है तो सब एलए क्यों भागते हैं, इंडिया के अंदर है तो बॉम्बे भागते हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर कराची बना हुआ है हब इस काम का तो आपको कराची जाना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल इंडस्ट्री वहां पे सेंट्रलाइज है, तो एक तो ये अकेडमीज है, ठीक है। अगर फिल्म स्कूल्स की बात करें वो भी अब तो बहुत हैं, जहाँ पे ये BNU हो गया, आपका इंडस वैली हो गया, NCA हो गया, और भी बहुत से हैं। तो एक तो है कि वो फिल्म स्कूल्स हैं, फिर थिएटर के अंदर भी बहुत से थिएटर्स हो रहे हैं जिसके अंदर अजोका भी है, जिसके अंदर इन लोगों का थिएटर भी है, ये सब लोग कोई ऊपर से लैंड नहीं हुए ऐसे। सही बात, आप इनको आज इवेंचुअल फॉर्म में देख रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि नए लोगों को चांस नहीं मिलता, उनसे पूछो तो सही उन्होंने स्टार्ट कब किया, बिल्कुल वो कितने सालों से, और इनका पहला ड्रामा क्या था, इन तीनों साहिबान से आप पूछ लो, यू विल बी सरप्राइज्ड। वो सिर्फ ये कि हम लोग आखिर में देखते हैं कि यार ये फाइनल प्रोडक्ट है, तो नयों को चांस नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल से नयों को बहुत चांस मिल रहा है। अब उसके अंदर हो क्या गया है कि कई जगह पे आपके जो सोशल मीडिया एप्स हैं उनसे कुछ लोग जो हैं उनको आप कह लें कि वो चांस जल्दी मिल जाता है, मगर उसको कहते हैं एक्सेप्शंस, वो कोई एक प्रॉपर तरीका नहीं है। किसी का बीच में तुक्का लग गया तो तुक्का लग गया, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई एक लड़का है या कोई लड़की है जो कि कॉलेज लेवल से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आती है, वो पॉलिटिक्स से पहले काउंसलर बनती है, काउंसलर के बाद कोई और मेयर बनेगी, मेयर के बाद फिर उसको MPA बने, MPA के बाद MNA, फिर शायद तुक्का लग गया तो मिनिस्टर। और कई लोग होते हैं कि जो डायरेक्ट पर चलता है जी, वो पहली बार आए और आते ही मिनिस्टर बन गए, वो एक्सेप्शंस होती हैं। मगर जहां तक प्रॉपर तरीके की बात है वो तरीका मौजूद है। हाँ, एक चीज उसमें गिवन है कि वो तरीके में सफर लंबा है बहुत, बिल्कुल मगर वो जो लंबा सफर है वो आपका स्किल सेट बहुत ज्यादा अच्छा कर देगा। अमूमन होता क्या है कि हम उस सफर लंबे से जान छुड़ा रहे होते हैं कि यार ये कि बगैर कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए रास्ता, कोई शॉर्टकट मिल जाए जिसे कहते हैं, वो अब आपकी चॉइस है। वो शॉर्टकट जो है वो किस्मत पे है, मिल गया तो मिल गया, ना मिला तो कम अज कम अपना स्किल सेट उस सफर से आपके पक्का हो जाएगा। तो इसलिए ये अपने ज़हन में से तमाम यंगस्टर्स निकाल दें कि यंगस्टर्स को चांस नहीं मिलता, चांस है वो लेना पड़ेगा, वो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो वो लाहौर में क्यों नहीं, और मेरे जब मेरी 4 साल की स्ट्रगल है, मैंने कराची में भी मेरे साथ बहुत से कॉन्टैक्ट ऐसे हैं जो कहते हैं सबसे पहले आपने इतनी पेमेंट कर दी है, सबसे पहले आपने इतनी पेमेंट कर दिया। मैंने कई एजेंसियों को पेमेंट पे भी कर दिया है लेकिन 4 साल में। अच्छा, ये एक चीज और मैं आपको भी बता दूं, और मेरे भाई मैं आपके सवाल के जरिए तमाम उन लोगों को बता दूं जो कि किसी भी तरह से इस शोबिज इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, कोई भी आपसे अगर पैसे मांगता है वो झूठ बोल रहा है, वो फ्रॉड है, वो जो भी है वो मुझे कॉन्टेक्ट कर ले और मुझे बता दे कि वो किस चीज़ के पैसे ले रहा है। हम लोग कोई पैसे नहीं लेते काम देने के, अगर जो आपसे पैसे लेके काम दे रहा है उसने क्या खाक काम करना है। इस चीज़ को प्लीज अपने निकालिए कि मुझे एक तो किसी और लोगों ने भी कहा ये कि जी हमसे पैसे ले लिए, पैसे ले लेते हैं कि आपको चांस देंगे, ये एक टोटल रिडिकुलस बात है, ऐसा कोई नहीं होता। जो सही काम करने वाले हैं वो पाकिस्तान में पैसे नहीं लेते, वो आपको वैसे ही काम देंगे, चाहे मुफ्त में काम आपसे कराएं और बात है, मगर पैसे लेके जो है ना वो कन्फर्म 2 नंबर आदमी है। आप 50,000 दे, मैं आपको इधर बिठवा दूंगा, कोई हरकत की। तुसी इन्नी दूरों आके कभी शर्मिंदा नहीं होंगे? जी 2020 का आगाज करते हैं, बिस्मिल्लाह करो जी। ये बताएं एक बायोग्राफी पढ़ना लाजिम है, इनमें से किसकी होगी वो बायोग्राफी जो आप पढ़ना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राणा सनाउल्ला और जनाब परवेज खटक। आप दूसरा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करें प्लीज। अच्छा, जनरल नॉलेज का सवाल का जवाब देना चाहेंगे, चेक करो। ब्रिटिश होम सेक्रेटरी का नाम बताइए। राणा सनाउल्ला। आप चांद पर जा रहे हैं, एक स्पेस शटल के अंदर 2 सीट्स हैं, एक अपनी है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको आप साथ लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ आएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक, ठीक है। तो किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी। हुमायूं भाई तो मेरी डार्लिंग है, वैसे भी उनकी फिल्म आ रही है,
तो वो अदनान सदीकी। अदनान सदीकी को आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं। एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं इफ्तिखार ठाकुर, नसीम विकी और सुहेल अहमद साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? मेरी डार्लिंग मेरे सामने बैठी है। सेल्फी इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ सेल्फी है। सर कमाल लेजेंड आदमी। अच्छा स्माइल आप किसको देंगे? सुहेल अहमद साहब, इनके भी उस्ताद हैं जो सर। ठीक है, और आप किसको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया? किस तरह की ऑप्शन थी? नसीम विक्की साहब। वो वैसे वो भी लेजेंड है, लेकिन उनको कहा थोड़ा फ्लोर आ गया। उनका फ्लोर आ गया है कैसे सर? सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने सारे मेनू मारन थे, क्यों किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रुखमा और सजल। ओए होए होए, ओ दैट्स टफ। लेकिन इन लड़कियों का मसला बड़ा ना, इन्हें जैकेट दी थी ना, इन्होंने पहले दर्जी को जाना है, इतने फिटिंग कर दे, रुखमा को लाइफ जैकेट नहीं मिली है। ठीक है, कुछ और ले दंगा जैकेट अनुदान। ठीक है सजल, आपकी बारी है। ओके सजल, ये बताइए, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से आप किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब कायम अली शाह। आई विल चूज द जनरल नॉलेज वन। जनरल नॉलेज, ओए होए, पाकिस्तान में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम बताएं। I don't know. I'll think I'll go back to the question. Yes, okay. And so, I'll choose the first one. Maulana Fazlur Rehman. Good. Maulana Fazlur Rehman ko call hogi boriyat khatam karne ke liye. Theek hai. Ye bataiye madam, chand par ja rahi hain, ek space rocket mein kisi ko chhodayengi, jisko chhodayengi wo wahin pe rahega, aap wapas aa jayengi. Kin ko chhodna chahti hain chand ke upar? Options aapke paas jo hain wo hain Rana Sanaullah aur Fiyazul Hasan Chauhan. I don't know the other one, so Rana Sanaullah. Rana Sanaullah is going to be. Theek hai. डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, आपने भी दूसरी किसी और को देनी है, किसको देनी है वो दूसरी लाइफ जैकेट? आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और मानी लियाकत। क्या ये ही प्यार है? अगर मैं आपका नाम नहीं लूंगी तो आप मुझे मानी लियाकत। ओ मानी लियाकत होंगे वो, आखिर पाकिस्तानी पासपोर्ट ब्रिटिश पासपोर्ट के आगे घुटने टेक दिया। मगर मानी साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर कैन आई जस्ट से समथिंग प्लीज, वन थिंग। अच्छा अभी तक आपने कुछ नहीं कहा। लास्ट चीज है, लास्ट चीज मैं आपको बताता हूँ कि माशाल्लाह हमेशा आते हैं पाकिस्तान, बड़े डिफरेंट शोज में गए हैं, बड़ी डिफरेंट टीम्स हैं, आपकी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट वर्किंग टीम्स इन पाकिस्तान, इसलिए इट्स द बेस्ट शो। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सजल थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।